मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा की जानिब से ईरान पर नई पाबंदियां आईं। ईरानी पुलिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पाबंदियों की ताज़ा फहरिस्त में शामिल। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना था कि कनाडा ईरानी आवाम की हिमायत जारी रखेगा। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में तालीमी कारकुनों का हड़ताल का ऐलान। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का जुम्मे से स्कूल बंद करने का फैसला। TDSB का कहना है कि तमाम स्कूल बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। टोरंटो में जा बजा गंदगी के ढेर मेयर के लिए दर्दे सर बन गए। जॉन टोरी का कहना है कि शहर में फैली गंदगी से निमटना चाहते हैं, जिम्मेदार कंपनी के साथ मुआहदा खत्म करने पर भी गौर कर रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर डर्टी बम की तैयारी का इल्ज़ाम। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम का यूक्रेन में दो जौहरी साइट्स का दौरा। बर्तानिया का कहना है कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन तनाजे की नौयत बदल देगा। अमरीका और जनूबी कोरिया की सबसे बड़ी फिजाई मशकें। शुमाली कोरिया का रद्दे अमल। शुमाली कोरिया का अमरीका जनूबी कोरिया के मुश्तरका फिजाई मशकें फौरी रोकने का मुतालबा। शुमाली कोरिया का कहना है कि खित्ते में अमरीका की मुश्तरका फौजी मशकें खुली इश्तियाल अंगेजी हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा ने ईरानी पुलिस फोर्स यूनिवर्सिटी को पाबंदियों की ताज़ा फहरिस्त में शामिल कर दिया। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से ईरान पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान पर इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में कनाडा ने नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। कनाडा ने ईरानी पुलिस फोर्स यूनिवर्सिटी को पाबंदियों की ताज़ा फहरिस्त में शामिल कर दिया है क्योंकि हुकूमत ने मुजाहरों पर क्रैकडाउन किया है। कैनेडियन वजीर खारजा ने पुलिस फोर्स पर ईरानी मुजाहरीन को मोहलिक दबाव और मनमानी हिरासत में लेने का इल्ज़ाम लगाया। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना था कि कनाडा ईरानी आवाम की हिमायत जारी रखेगा क्योंकि वो जुर्रतमंदाना अंदाज में बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा कर रहे हैं। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने एक बयान में कहा कि ईरानी आवाम बशमूल खवातीन और नौजवान अपनी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने तवील अरसे तक एक ऐसी हुकूमत को बर्दाश्त किया है जिसने जबरो इस्तबदाद के हथकंडों के जरिए उनकी इंसानियत को दबाया और उनके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की है। कई हफ्तों से जारी मुजाहरों के दौरान ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहरों को बराह रास्त गोला बारूद और आंसू गैस से मुंतशिर कर दिया है। ईरान में इंसानी हकूक के कारकुनों के ग्रुप के मुताबिक कम अज़ कम 270 अफराद हलाक और 14,000 को गिरफ्तार किया गया है। वाज़े रहे कि कनाडा इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर ईरान पर हाल ही में मुतादिद पाबंदियां आयद कर चुका है। उनमें 22 साल ईरानी कुर्द खातून महसा अमीनी की हलाकत के रद्द अमल में पाबंदियां भी शामिल हैं। महसा अमीनी सितंबर के वस्त में ईरान की अखलाकी पुलिस की हिरासत के दौरान में हलाक हो गई थी। उनकी पुरअसरार मौत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं और ईरानी हुकाम इस एहतजाजी तहरीक को दबाने के लिए क्रैक डाउन कर रहे हैं। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का कहना है कि वो जुम्मे को तमाम स्कूल बंद कर देगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का कहना है कि वो जुमे को तमाम स्कूल बंद कर देगा। उसी दिन तकरीबन 55,000 ऑन्टेरियो के तालीमी कारकुन सूबे भर में होने वाले एहतजाज में मुलाजमत छोड़ने के लिए तैयार हैं। पीर के रोज़ कारकुनों की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़ ने कहा है कि इसके मेंबरान जुमे को नौकरी छोड़ देंगे बगैर इसके कि ऑन्टेरियो की मुजवजा एंटी स्ट्राइक कानून साजी जो पीर को पेश की गई थी और इसके बावजूद मुलाजमत की कार्रवाई को रोकने की शिक का मुतालबा करती है। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इस ऐलान के नतीजे में बोर्ड के पास 4 नवंबर को तमाम तलबा के लिए जुमा जाती तौर पर सीखने के लिए तमाम स्कूल बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा।
जबकि हम समझते हैं कि बहुत से ख़ानदानों के लिए चैलेंजिंग होगा। वालदैन सरपरस्त देखभाल करने वालों को अपने बच्चों के लिए मुतबादल इंतजामात करने की ज़रूरत होगी। ये कोई फैसला नहीं है जिसे हम हल्के से लेते हैं और हमने स्कूलों को खुला रखने के लिए हर मुमकिन हंगामी मंसूबे की खोज की है। स्कूल बोर्ड का मजीद कहना था कि तालिबे इल्म की निगरानी और हिफाजत हमारी अवलीन तरजीहात हैं और स्कूल में मुकीम उन मुलाजमीन की अहम खिदमात के बगैर हम इस बात की जमानत नहीं दे सकते कि हमारे तालीमी माहौल तमाम तुलबा के लिए महफूज और साफ रहेंगे। कानून साजी में कहा गया है कि अगर तालीमी कारकुन हड़ताल करें तो उन्हें रोजाना $4,000 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ऑन्टेरियो के वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने हड़ताल के साथ आगे बढ़ने के यूनियन के फैसले को नाकाबिले कबूल करार दिया। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का कहना है कि वो टोरंटो की गलियों और पार्कों में भरती हुई गंदगी से निमटना चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का कहना है कि वो टोरंटो की गलियों और पार्कों में बढ़ती हुई गंदगी से निमटना चाहते हैं, जिसकी वजह से सफाई सुथराई से लेकर कचरे के डब्बों को बरकरार रखने वाली कंपनी के साथ शहर का मुआहदा ख़त्म करने का वादा किया गया है। जॉन टोरी, जो गुज़िश्ता पीर को मेयर के तौर पर अपनी तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब हुए थे, फौरी कार्रवाई करने का अज़म कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्होंने मुहिम के दौरान बहुत सी शिकायत सुनी है कि शहर कितना गंदा हो चुका है। मैं आज ही इससे निमटना शुरू करना चाहता था और लोगों को जानना चाहता था कि हम बतौर शहरी हुकूमत इज्तिमाई तौर पर इस पर मुत्तफिक हैं। टोरी का कहना है कि वो इस बारे में कानूनी मशवरा हासिल कर रहे हैं कि आया शहर भर में 10,000 कचरे के डब्बों की देखभाल के लिए जिम्मेदार निजी मीडिया कंपनी ईस्ट्रल आउट ऑफ होम के साथ अपना मुआहदा ख़त्म कर सकता है। ये मुआहदा 2007 में साबिक मेयर डेविड मिलर की क़यादत में हुआ था और इसे चलाने में मजीद 4 साल बाकी हैं। ऐसी तस्वीर जिनमें डब्बों की तोड़फोड़ होती दिखाई दे रही है, जिसमें दरवाजे अपने कब्जे से लटक रहे हैं और कचरे से भरे हुए हैं। जॉन टोरी ने कहा, मैं यकीनी तौर पर मौजूदा सूरत हाल से मुतमिन नहीं हूँ जब बात हमारी सड़कों पर कूड़ों के डब्बों की हो। रूस की जानिब से यूक्रेन पर डर्टी बम की तैयारी के इल्जामात के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ने यूक्रेन में 2 जौहरी साइट्स का दौरा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस की जानिब से यूक्रेन पर डर्टी बम की तैयारी के इल्जाम के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ने यूक्रेन में 2 जौहरी साइट्स का दौरा किया है, जबकि बरतानिया ने यूक्रेन में जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल पर रूस को सख्त नतीज से खबरदार कर दिया। एजेंसी के सरबरा राफेल ग्रोसी ने कहा है कि यूक्रेन में 2 जौहरी साइट्स पर मुआयना शुरू कर दिया है। राफेल ग्रोसी ने इस हवाले से कहा कि रवां हफ्ते के अख्तिताम पर अपने इब्तदाई नतीज फराहम करेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के डर्टी बम इल्जाम की तरदीद भी कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी इल्जाम पर आलमी इदारे से मुआयने की दरख्वास्त की थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी आलमी इदारे से यूक्रेन की जौहरी तनसीबात के मुआयने का मुतालबा किया था। दूसरी जानिब बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वजीर खारजा जेम्स क्लेरली का कहना था कि कोई दूसरा मुल्क जौहरी हथियारों की बात नहीं कर रहा, ना ही कोई और मुल्क रूस या रूसी सदर पुतिन को धमका रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी सदर पुतिन पर यह वाज़े करना चाहते हैं कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन तनाज़े की नौयत बदल देगा। उनका कहना था कि यूक्रेन में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर रूस को संगीन नतीज का सामना होगा। शुमाली कोरिया ने अमरीका और जनूबी कोरिया के मुश्तरक फिजाई मशकों को इश्ताल अंगेजी करार देते हुए अमरीका से मशकें फौरी रोकने का मुतालबा किया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया ने अमरीका और जनूबी कोरिया के मुश्तरक फिजाई मशकों को इश्ताल अंगेजी करार देते हुए अमरीका से मशकें फौरी रोकने का मुतालबा किया है, जबकि अमरीका और जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया की जानिब से मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए इस तरह की तरबियत की जरूरत है। शुमाली कोरियन वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में अमरीका की मुश्तरक फौजी मशकें खुली इश्ताल अंगेजी हैं। वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका फौजी मशकें फौरी बंद करें, शुमाली कोरिया अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करने के लिए तैयार है। शुमाली कोरिया का मजीद कहना था कि अमरीका ने फौजी इश्ताल अंगेजी जारी रखी तो मजीद ताकतवर जवाबी इकदाम करेंगे। वाज़े रहे कि अमरीका ने आज से शुरू होने वाली जनूबी कोरिया अमरीका मुश्तरका फिजाई मशकें जुमे तक जारी रखने का कहा है। वाज़े रहे कि अमरीका और जनूबी कोरिया की सबसे बड़ी मुश्तरका फिजाई मशकों का आगाज हो गया है। अमरीकी फिजाइया के मुताबिक विजिलेंट स्टोरम नामी मशकें जुमे तक जारी रहेंगी, जिसमें शामिल दोनों मुल्कों के 240 जंगी तैयारे तकरीबन
1600 परवाजें करेंगे। मशकों में दोनों मुल्कों के F-35 स्टील फाई तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया का फिजा में ईंधन भरने वाला तैयारा भी मशकों का हिस्सा है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी।